Good morning, dear student. Today we start here exercise 6.4, and in this exercise we find how I will tell you how we find the quotient by the repeated subtraction method. Okay. Now the first question is given here. Write the quotient. So dear children, here 16 minus 8 equal 8. 8 minus 8 equal 0. So if 16 divided by 8 equal 2. Here how many times we subtract here? 8, 1 time and 2 time. So your quotient is 2. Now the second question, 18 minus 6, 18 divided by 6 equal 18 minus 6 equal 12, 12 minus 6 equal 6, 6 minus 6 equal 0. So how many times we subtract here? 1, 2 and 3 times. So we write here 18 minus 6 equal 3, 6, 3 is 18. Now the third question is 14 divided by 10. So we subtract here 14 divided by 10 is 10 is your divisor and 14 is your dividend. So 40 divided by 40 minus 10 equal 30, 30 minus 10 equal 20, 20 minus 10 equal 10, 10 minus 10 equal 0. And this is your quotient. ये आपका क्या है? Sorry, this is your remainder. ये आपका क्या है? Remainder. And this is your quotient. How many times we subtract here? 1 time, 2 time, 3 time and 4 time. So we write here 4, 10 4 is the 40. Means how many times we subtract? 4 times means 4, 4 is your quotient. Now question number B. Question number B is same. This is question number B is also same. Just like question number A. First question is 27 minus divided by 9. So first we subtract here 27 minus 9 equal 980 minus 9. 80 minus 9 equal 9. 9 minus 9 equal 0. 0 is your remainder. And how many times we subtract here 9? 1 time, 2 time and 3 time. So your quotient is 3. How many times we subtract here? 1, 2 and 3 times. So this is your quotient. Dear children, हम यहाँ पे जो subtract कर रहे हैं यही subtraction method है. This is a repeated subtraction method. Repeated मतलब दोहराना, बार बार दोहराना. तो हमने यहाँ पे बार बार 9 को repeat किया है. 1 time यहाँ minus किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया. हाँ, अब आप इस 9 को आप नहीं काउंट करेंगे. क्यों? बिकॉज ये 9 आपका आपने लिखा नहीं है. ये 9 आपने सब्ट्रैक्ट किया है, पर आया है 9. और ये 9 जो है आपने पाता, ये 9 है डिवाइजर. दिस 9 डिवाइजर, दिस 9 डिवाइजर एंड दिस 9 इज डिवाइजर. बट दिस 9 इज कमिंग फ्रॉम 18 माइनस 9 इक्वल 9. तो हम इस 9 को काउंट नहीं करेंगे. अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कितने टाइम तक हमें माइनस करना है. हमें जब तक रिमाइंडर यहाँ पे आपका माइनस करने पे जीरो नहीं आता, तब तक हमें सब्ट्रैक्ट करना है. और या जिससे जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे कोई नंबर स्मॉलर नंबर आना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 15 डिवाइडेड बाई 4. ओके, नाउ 15 माइनस 4 इक्वल 1, 1. 4 माइनस इक्वल 11 माइनस 4 इक्वल 7, 0 एंड माइनस 4 इक्वल 3. ओके, नाउ नाउ लुक एट हियर. अब यहां पे आप देखिए 4 को कितनी टाइम माइनस किया आपने? 1, 2 एंड 3 टाइम. बट यहां रिमाइंडर आपका 3 आ गया, 0 नहीं आया. तो अब आगे हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि ये जो रिमाइंडर 3 आ गया है ये आपका डिवाइजर से क्या हो गया है? स्मॉलर हो गया. डिवाइजर से क्या हो गया है? स्मॉलर हो गया. जब ये स्मॉलर हो गया है तो अब हम आगे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. ये आपका क्वाड्रेंट चला जाएगा, 1, 2, 3 क्वाड्रेंट हो जाएगा. लेकिन यह 0 आ जाए या इससे कम आ जाए तब सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे.
यदि जब इससे ग्रेटर नंबर आता है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी सेकंड. 24 डिवाइडेड बाय 6. नाउ 24 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल 18, माइनस 6 इक्वल 12, माइनस 6 इक्वल 6, माइनस 6 इक्वल 0. नाउ हाउ मेनी कैन बी सब्ट्रैक्ट हियर? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम. मींस वी सब्ट्रैक्ट 4 टाइम. दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज योर डिविडेंड एंड 4 टाइम वी सब्ट्रैक्ट हियर 6. सो योर क्वाड्रेंट इज, क्वाड्रेंट इज 4. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज 48 डिवाइडेड बाय 6. सो 48 डिवाइडेड बाय 6 मींस 48 माइनस 6. 8 माइनस 6 इक्वल टू 4. नाउ 12 माइनस 6 इक्वल 6, 3. माइनस 6 इक्वल 0, 30. माइनस 6 इक्वल 24. माइनस 6 इक्वल 30, माइनस 6 इक्वल 8 एंड 1. माइनस 6 इक्वल 12. माइनस 6 इक्वल 6 एंड माइनस 6 इक्वल 0. ओके, नाउ हाउ मेनी कैन बी सब्ट्रैक्टेड हियर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 times. So your quotient is, quotient is 8. Okay? This question is solved. Now, हमने इस 6 को काउंट नहीं किया है क्योंकि ये 6 इसको माइनस करने पे आया है. इस 6 को आप काउंट नहीं करेंगे. आप जो 6 लिखेंगे डिवाइजर को, जो लिखेंगे उसी 6 को आप काउंट करेंगे. ओके डियर चिल्ड्रन, नाउ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड बी इज आल्सो कंप्लीटेड. नाउ द क्वेश्चन नंबर सी एंड डी इज आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.